प्रेस से है, प्रेस से है, हाथ मत लगाइएगा, बोल रहे हैं। डंटा कैसे मारा वो सर? उसको बोलिए, उसको बोले इधर आओ, इधर आओ। डंटा कैसे दिखाया रे? क्या मारेगा डंटा? हाँ, दो घंटा से पूरी है, आप लोग क्या मार रहे हैं? डंटा मारने आए रे तुम लोग? डंटा मारने के लिए आए हैं? कितना लड़का पुलिस वाले इन लोगों की है? बात सुनिए ना, हम ही माफी मांगे हैं। माफी वाला बात है, टोपी देख रहे, नहीं बुझ रहा, उसको बुझा रहा है कुछ और। डंटा चलाने का शौक है, सब कैमरा में रिकॉर्ड हुआ है सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसडीएन न्यूज, मैं हूँ सैयद तहसीन अली। बड़ी खबर हम आपको अक्सर दिखाते हैं और सड़कों की हर एक समस्याओं को दिखाते हैं, लेकिन दिखाने वाली जो पत्रकार मंडली है उसके साथ पुलिस का कैसा व्यवहार है ये भी हम आपको दिखाएंगे। जो वीडियो इस वक्त चैनल में चलेगा वो आप देखिएगा और समझिएगा। दरअसल पूर्णिया के लाइन बाजार में एक निजी अस्पताल में मरीज की मौत होती है, परिजनों का हंगामा बरसता है। दोपहर 2-3 बजे से सिलसिला शुरू होता है और यह अब रात के लगभग शाम के 6 बजे तक चल रहा है। यहाँ आगजनी हुई थी, परिजनों ने हंगामा बरपाया था, लेकिन उसके बाद क्या खेल हुआ ये देखिए। ये एक पूरी टीम है पूर्णिया प्रशासन की, जो लाल टोपी धारी है जितने भी है यहाँ पर, ये सारे लोग मीडिया कर्मियों पर हमला करते हैं, एक एक करके हमला किए हैं, जो रिकॉर्ड हुआ है। ये सारे लोग हैं, आंख देखिए इनका। कैसे आप हमला किए मीडिया कर्मियों पर? आप हमको देखे, आप लोग की टीम ने हमला नहीं किया। क्या आदेश था लाठियां बरसाने का? किसका आदेश था? कौन आदेश दिया था आप लोगों को लाठियां बरसाने के? आदेश किसने दिया? देखिए, समझ जाइए अब आप समझ जाइए कि इनका रवैया कैसा है। हजारों की संख्या में ये लोग इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। इन्होंने लाइन बाजार में हाथ में माइक आईडी देखकर मीडिया वालों को डंडों से हमला किया है, कैमरे में वो रिकॉर्ड हुआ है। अधिकारी कहते हैं कि हम इन्हें चिन्हित करेंगे, इस पर कार्रवाई होंगे। ऐसे ही लगातार ये लोग सब भागते रहे हैं। देखिए, इन्हें खुली छूट मिल गई कि बस हमला करो, लाठी डंडों से मारो। कहां कहां के लोगों को घुसकर मारा गया है, ये सारे लोग हैं। तेवर भी उनके पास इतना है कि हर वक्त वो डंडा लेकर कभी भी तैश में खड़े हैं कि हमला करेंगे। ये सारी टीम आप देख लीजिए, ये पुलिस की टीम है, ये आप पुलिस की टीम देख सकते हैं, ये पूरी टीम है पुलिस की। अब आपको हम दूसरी ओर दिखाते हैं, अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। अधिकारी कह रहे हैं कि हम चिन्हित करेंगे और उन पर कार्रवाई करेंगे। एक बार हम अधिकारी से फिर से पुनः बात करने की कोशिश करते हैं। डीसीआर साहब हैं हमारे साथ, एसडीपीओ साहब हैं सदर के। सर, इस पर क्या कार्रवाई होगी जो मीडिया कर्मियों पर हमला हुआ है सर? आपने वीडियो फुटेज खुद देखा है सर? हम उसको देखेंगे, अच्छी तरह से देखेंगे और उसमें जो भी होगा हम लोग चिन्हित करेंगे उसको, और हम लोग एसपी साहब से उसको संज्ञान इसमें देंगे हम, और जो भी कार्रवाई करने की हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, डीसीआर साहब आप भी हैं यहाँ पर, आप देख रहे थे। अगर ऐसी अगर किसी गलत हुआ है तो हम लोग उसका जो है जो समुचित जो कार्रवाई है उसको हम लोग करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए अगर हुआ है तो। लेकिन अगर ऐसा है तो हम लोग जांच करके उसका असमुचित कार्रवाई हम लोग आश्वासन देते हैं, निश्चित रूप से हम लोग करें। चलिए, आश्वासन मिला है पुलिस अधिकारियों की तरफ से, डीसीएलआर साहब की तरफ से। अब हम उस मीडिया कर्मियों से भी बात करेंगे क्या करके। सरोज, आप इधर आए,
आपके साथ क्या हुआ था बताइए। जिस समय रिपोर्टिंग कर रहे थे उधर से दौड़ते हुए आए और आईडी हाथ में था तो आईडी पे जो है लाठी मार के आईडी को तोड़ दिया गया। आपने बताया था कि आप मीडिया से? हम पहले बता दिए थे कि और आईडी भी मेरे हाथ में था, हमको बता भी दिए कि जो है हम मीडिया से हैं। अच्छा, मारते वक्त क्या कुछ मीडिया का नाम भी लिया गया था जैसा बता रहे थे वहाँ पर? देखो मीडिया का क्या क्या बोला गया? मारो, हम लोग कैमरा खड़े थे, बोला गया मीडिया है, मारो मारो सबको, डंडा चार्ज करो। उसके बाद हम लोग दौड़ाए तो भाग गया। आप पुलिस पहुंचा देंगे सामने में। कौन सब था वो लोग? सब लाठीधारी, सब सिपाही, सब था लाल टोपी वाले। हाँ, सब लाल टोपी, जबकि डीएसपी साहब वहाँ और थाना प्रभारी सब मौजूद सामने में मौजूद थे। उसके बाद भी सब सामने में बोल रहे हैं कि मीडिया वाला है, मारो। आशीष जी, लाठीचार्ज आपके सामने? देखिए, हम लोग खबर को संकलन कर रहे थे और उसी दरमियान जो है हम लोग ये भी देखे कि डीएसपी जितने अधिकारी हैं वो बात कर रहे थे, लेकिन जितना लाल टोपी है छोटा सिपाही था वो सब अंधाधुन ये कर रहे थे। और अंधाधुन करने के बाद जितने भी मीडिया कर्मी थे उनको भी जो है मारा गया, गाली गलौज देकर मारा गया है। यहाँ तक कि बद्दी गालियां भी दे गई है, मारो मादर चुनों को, ऐसे करके सबको मारा गया है। मीडिया कर्मियों का नाम लेकर हाँ हम लोग लगातार उसको जो है खबर को बनाते गए और मारते मारते आगे तक बढ़ा दिया गया। फिर हम लोगों ने जब उसको लपेटा, जब हम लोगों ने उसको लपेटा है तब उन लोग भागे यहाँ से। अब आप समझ सकते हैं क्या आलम है पूर्णिया प्रशासन के लाल टोपी धारियों का। अधिकारी की बात नहीं सुनते, या फिर हो सकता है कि अधिकारियों ने उन्हें आदेश दिया हो कि कोई भी लोग वहां पर नजर आए उन्हें पीटें, या फिर ये भी कहा गया हो कि मीडिया कर्मी अगर दिख रहे हैं तो उन पर हमला करें, क्योंकि ऐसा फुटेज में साफ साफ दिखाई दे रहा है। एक नहीं, 100 दफा उन्हें बताया गया कि हम मीडिया कर्मी हैं, हाथ में माइक आईडी है, बावजूद इसके लाठी चार्ज की गई है। अब सीधे सीधे हम मांग करते हैं आईजी से पूर्णिया रेंज के, साहब इस मामले को आप संज्ञान में लें, या तो उन लोगों पर कार्रवाई होगी या फिर समस्त मीडिया कर्मी जो इस वक्त पीड़ित बने हुए हैं उन सबको इस पूरे मामले में उन सबको इंसाफ दें, या तो आप उन लोगों को अलग करें या फिर मीडिया से किसी भी तरीके के सहयोग की उम्मीद ना करें। आप दोपहर के 2 बजे से यहाँ नहीं थे साहब, जब यहाँ पर आगजनी हो रही थी मीडिया कर्मी आकर मामले को संभाल रहे थे चीज़ों को, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर पहुँचते हैं लाल टोपीधारी आते हैं और हमला कर देते हैं। इतना बड़ा आप में हिम्मत आ गया है आपके लाल टोपीधारियों में, नए नए सीखने वाले सब में, क्या लाठी चलाने का इतना शौक है आप लोगों को? आईजी साहब, एसपी साहब, इस पूरे मामले में आप संज्ञान लीजिए, या फिर मीडिया कर्मियों को कुछ और कदम उठाना पड़ेगा, शायद वो धरना करना चाहेंगे। एक चीज हम बोलना चाहेंगे, जो अधिकारी लेवल के होते हैं उनका इंतजार किया जाता है, उनके आदेश का इंतजार किया जाता है, उसके बाद लाठीचार्ज होता है। लेकिन उधर जो अधिकारी थे, एसडीओ साहब थे, डीएसपी थे, हम लोगों से बात कर रहे थे, परिजन भी बात कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद अचानक जैसे लगता है कि कोई उपद्रवी आ गया और उसके बाद लाठीचार्ज हो गया। किसी और के इशारे पर कोई और अधिकारी हो सकते हैं जो ऑफिस से ही इशारा करते हैं कि वहां पर लाठीचार्ज करना है, वहां पर मारपीट करना है। तो हम लोग भी स्पष्ट डीजीपी साहब से निवेदन करते हैं, नहीं तो सारे मीडिया कर्मी हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और हम लोग आज और अभी आवेदन देंगे और वीडियो अवेलेबल कराएंगे उस पुलिस कर्मी का जिन्होंने परिचय देने के बाद भी, ये मुकेश भाई हैं, इन्होंने अपना परिचय भी दिया हमारे सामने जब हम लोग खबर कर रहे थे और इनसे ही पूछे थे, इन्हें परिचय भी दिया, हम लोग मीडिया से हैं, इनको मारा गया है, हम लोग आँख से देखे हैं और हमारे पास वीडियो भी है इसका, और वीडियो है हमारे पास और इसको मारते हुए आगे बढ़ा गया है। सरोज, हमला हुआ है लाठियों से? देखिए, ये घटना 4 बजे की है, 4 बजे से जो है मरीज की मौत के बाद परिजन आक्रोश में थे और प्रदर्शन कर रहे थे और अस्पताल से निकल के ये प्रदर्शन मुख्य सड़क तक पहुंच गया और लोग उग्र हो गए, आगजनी हुई और तमाम मीडिया कर्मी जो है लगातार कवरेज कर रहे थे, तमाम आसपास के थाना के जो भी पदाधिकारी थे वो भी मौजूद थे, डीएसपी साहब थे, डीसीएलआर साहब थे, सबको लेकिन खड़े थे, उनके द्वारा किसी तरह का एक्शन नहीं लिया जा रहा था। अचानक भगदड़ हुआ, हम लोग देखे कि लाल टोपी वाले जितने भी नए पुलिसकर्मी हैं वो दौड़ रहे थे और जो भी प्रदर्शन कर रहे थे उन पर लाठी चार्ज किया जा रहा था। उस दरमियान जो है कुछ मीडियाकर्मी जो है यहाँ पे कवरेज कर रहे थे, सरोज जी थे, और एक भीड़ से निकलकर पुलिस वाले जो है उनके माइक पर हमला किए, गाली गलौज करते हुए उनका आईडी भी तोड़ दिया गया, जिसके बाद जो है तमाम जो है पत्रकार उसका विरोध किए और फिर जाके तब किसी तरह जो है डीएसपी साहब बोले कि मामला को शांत किया और बोले कि जो भी दोषी कर्मी है उस पर कार्रवाई करेंगे। देखिए, हम इस पे बताते हैं कि 2 घंटे से यहाँ पे 3-4 थाना की पुलिस थी जो मुख्य दर्शक बनी हुई थी, सबके सामने आगजनी हो रहा था, हंगामा हो रहा था, जो आने जाने वाले राहगीर थे उन पर भी पत्थर लाठी बरसाया जा रहा था।
लेकिन बाद में जो प्रशिक्षु सिपाही है लाल टोपीधारी, इन लोगों को कैसे आदेश दे दिया गया जब तक ये प्रशिक्षण में है? अभी सारे लाल टोपी रैपिड एक्शन फोर्स भी है, लेकिन उनको नहीं बोला गया मारने के लिए, ये लाल टोपी सिपाही को बोला गया जो अभी प्रशिक्षण में ही है। ये कैसे अभी भीड़ को नियंत्रित कर सकती है? जब आला अधिकारी यहाँ पे आते हैं उनके सामने इस तरह से मीडिया कर्मी पे भी हमला किया जाता है, ये बहुत ही गलत बात है। हम लोग इसका कड़ी निंदा करते हैं, विरोध करते हैं। अगर ऐसे पुलिसकर्मी पर कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग आगे आंदोलन करेंगे। बिल्कुल, आप सब समझ चुके हैं मामला। फिर से एक बार हम आपको कह दे रहे हैं, एसपी साहब, आईजी साहब, डीजीपी साहब, जितने भी लोग हैं, क्या ये कार्रवाई उचित थी? आपको आईडी कार्ड दिखाया गया, आपको बताया गया कि हम प्रेस वाले हैं, बावजूद इसके डंडे बरसाए गए, गाली गलौज किया गया और ये कहा गया कि ये पत्रकार है, इनको मारो, ये आदेश किसने दिया? क्या किसी भी पुलिस प्रशासन की तरफ से ये कहा गया है कि आप मीडिया के हैं तो आपके पास कोई विशेष आईडी होगी? माइक आईडी से बड़ी कौन सी आईडी हो सकती किसी पत्रकार के पास? एसडीएन न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस पूरे मामले को हम लगातार तब तक उठाते रहेंगे जब तक इन लाल टोपी धारियों पर कार्रवाई नहीं हो जाती है। नमस्कार।